गणतंत्र दिवस पर्व पर ग्रैंड विजन कार्यालय में भी देशभक्ति के जज्बे के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भारत माँ के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान गाया गया। ग्रैंड विजन कार्यालय में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रुप के चेयरपर्सन व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री होरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने धर्मेंद्र यादव व विधायक देवेंद्र यादव की प्रशंसा दिल से करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त की है उसके पीछे दोनों भाइयों का कुशल रणनीति प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भिलाई निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहेगा। श्री होरा ने महापौर नीरज पाल को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिलाई की नब्स को इस न्यूज चैनल पकड़ने में सफल है, ये प्रमाणित करता है उसके समाचार व विजन का प्रशासन। इस दौरान प्रसिद्ध शायर ताज नजमी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। 73वें गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और यही कल्पना करता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़, हमारा भिलाई, हमारे देश में हम लोग खूब आगे कर रहे हैं और देश के हित और देश के लिए काम कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से हमारे सारे डायरेक्टर्स, हमारे उपभोक्ता, हमारे केबल ऑपरेटर, हमारे डायरेक्टर्स और भिलाई के सभी लोग जो कि तन मन धन से उन्नति के रास्ते की ओर इसको ले जा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट बहुत पुराना स्टील प्लांट है, ये पूरे हिंदुस्तान में अगर भिलाई का नाम आता है तो सबसे पहले आता है और वहाँ के हमारे उदयमान विधायक देवेंद्र यादव जी और हमारे भाई धर्मेंद्र भाई, इनके प्रयास से निस्संदेह इस बार नगर पालिका में भी बहुत अच्छा जोर शोर से जीत दर्ज हुई है और आने वाला समय भी सही मान होगा और अच्छे कामों में ला जाएगा। और आज इनके मुख्य आतिथ्य में हमारा झंडा रोहण हुआ, ये विशेष रूप से उपस्थित हुए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। निस्संदेह ब्रॉडकास्टिंग और चैनल ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है सब लोगों को रिझाने का और धर्मेंद्र भाई और देवेंद्र यादव जी इसमें हमें हमेशा सहयोग करते हैं। मैं भिलाई आके अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि ये मेरे दो भाई मेरे साथ रहते हैं। मैं रखता है मेरा व्यवसाय जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे फल फूल रहा है, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी भिलाई वासियों को 73वीं गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं बताई। जैसा कि गुरचरण भाई ने बताया कि विजन, ग्रैंड विजन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे पूरे भिलाई वासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारी यहाँ की जो भी समाचार है वो हमको इसके माध्यम से सुनने को मिलता है। जैसा कि बताया इन्होंने, हमारे विधायक महोदय देवेंद्र यादव जी और अभी नए बने हुए महापौर नीरज पाल जी, इन लोगों के नेतृत्व में और धर्मेंद्र भाई के मार्गदर्शन में भिलाई बहुत ही प्रगति करेगा और जो भी कार्य ऐसे लग रहे हैं कि जो होना है जरूरी, वो सब कार्य आगामी 2-3 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा।